Please welcome Kiku as Girju Maharaj, अपने आज के partner Siddharth as a ढोलक player के साथ। मैं हूँ उस्ताद आकिर हुसैन। तो सबसे पहले सोहेल भाई, आदाब। अर्चना जी आदाब। आदाब। सर कैसे? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। एक्चुअली मेरी माँ ने मुझे कहा था बेटा अगर ऐसे ही ढोलक बजाता रहा तो एक दिन बड़े बड़े नचनियों को तो ऐसे ही बिठा देगा। लो सर बिठा दो। खैर सर आपको मैं बता दूं मैं आपका फैन तो हूँ और आपका आना यहाँ बनता भी था सर। प्यार चीज ही ऐसी है। अब इसके चक्कर में तो रजा मुराद यहाँ आ गए थे। फिर इसने भगाया कहती है उम्र देखी अपनी तेरे जितने तो मेरे बच्चे हैं। फिर उन्होंने अपने दादा को भेजा मजा मुराद तब इसको मजा आया। क्यों नाचे महाराज? हम हैं गिरजू महाराज और एक बार जब हम किसी पर गिर जाते हैं ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है उठ जाता है उठ जाता है। अच्छा मतलब तीन बार उठता है? हाँ तो हम गिरते भी तो तीन आदमियों पे एक साथ है। ओहो वैसे चूंकि हम एक डांसर हैं हम म्यूजिशियंस की बड़ी कदर करते हैं परंतु वो म्यूजिशियंस जो अपने जूनियर म्यूजिशियंस की कदर नहीं करते उनका सम्मान नहीं करते वो हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ तबला बजाते रह जाते हैं। वो भी एक ही जगह पर बैठकर, वो भी 6 सालों तक। पर हम ऐसे कलाकारों की भी बड़ी कदर करते हैं। इन्होंने अपने कला का प्रदर्शन करके कई कप जीते हैं साथ में कई प्याले और कई केटलियां भी जीती है। बहुत जल्द ही अपनी चाय की दुकान खोलने वाले हैं ऐसी हमारी दुआ है। मैं शर्म की सीसरी इज्जत करता हूँ। एक बार मुझे बोले बेटा मैं इतना बड़ा नचनिया हूँ कहीं नाचते नाचते एक भी स्टेप मेरा गलत हो गया मैं तो डूब के मर जाऊंगा। कहते मेरी दो बहने उनका क्या होगा? मैंने कहा सर मैं आपकी दोनों बहनों को अपनी छोटी बीवियां समझ के रखूंगा। देखिए 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 आप थोड़े से क्यूट क्या हैं इसका ये मतलब नहीं है कि आप बार बार हमारी तौहीन करेंगे। और तेरी बॉडी मसाज करूं मैं? आप बहुत बड़े ढोलकियां हैं ना। ढोलकियां का क्या मतलब? ढोलकियां हूँ ढोलकियां ढोलकियां हूँ। ओहो हूँ मैं ढोलकिया। आपको आता है बजाना? बहुत अच्छा आता है। तो ठीक है चलिए शुरू करते हैं हम नृत्य करेंगे आप ढोल बजाइए। चलिए तीन ताल बजाइए। क्या बजाना बोलो? तीन ताल बजाइए। लो आपको ताल के बारे में कुछ भी पता है? ओह अर्चना जी 10 साल से मैं ढोलक बजा रहा हूँ ऐसे बाल सफेद नहीं किए मैंने। ताल के बारे में आपको कुछ भी पता है? सुभाष घई जी ने पिक्चर बनाई थी अक्षय खन्ना ने काम किया था उसमें अनिल कपूर थे गोंडिया झकास उन्होंने बोला था। झकास उन्होंने ताल में नहीं बोला था तेजाब में बोला था। ताल में उन्होंने बोला था 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो राम लखन किसमें बोला था? राम लखन में उन्होंने बोला था रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं नाम है शहंशाह। मैं ढोलक ही बजा लेता हूँ भैया। बजाना आता है आपको? महाराज आता है मेरे को बजाना आता है। अच्छा ये 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 तीन ताल थी ये तीन ताल थी ये बजाया आपने तो आड़ा चौताला बजा रहा था मैं। आती है मुझको बजानी? ओहो आपसे अच्छा डांस करना आता है मेरे को। हो जाए आ जाओ आओ म्यूजिक दीजिए भाई। Anybody can dance. Oh! Thank you. Anybody can dance. रेमो क्या ABCD पार्ट 2 में आप इन दोनों को लेंगे? सच कहूं बिल्कुल लूंगा। सिद्धार्थ ने जब एंट्री की थी तब मैंने कहा कि पता नहीं शक्ल से बड़ा छोटा सा लगता है पता नहीं क्या करेगा कॉमेडी में यहाँ पे तो धुरंधर बैठे हुए हैं यहाँ पे इतने बड़े बट यू टुक ऑफ मैन और कमाल किया आपने। एंड देन किकू जी आप आए आपके अंदाज आपके एक बॉडी लैंग्वेज था एक्चुअली इस एक्ट में ताल वॉज माइंड ब्लोइंग। थैंक यू थैंक यू आउटस्टैंडिंग बोथ ऑफ यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू रेमो। सोहेल सिद्धार्थ एंड किकू इस
ऑर्डिनरी एक्ट को संभालना और उसको एक मजेदार एक्ट में कन्वर्ट करना, दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्ट. थैंक यू सोहेल. आची कीकू, आप तो मंजे हुए कलाकार हैं. सिद्धार्थ, लेकिन आप तो बहुत छोटे हैं, आपका एक्सपीरियंस भी कम है. आप जिस कॉन्फिडेंस से आते हैं इस मंच पर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है. एक्ट इटसेल्फ वाज नॉट सो गुड, बट स्पेशल मेंशन टू यू सिद्धार्थ. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम. तो जजेस, आपके बहुत ही अच्छे कॉमेंट्स के बाद थोड़े अच्छे स्कोर्स भी हो जाए. सोहेल, गो फॉर 9 पॉइंट्स फ्रॉम सोहेल. फॉर मी इट्स 1 एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर सिद्धार्थ. थैंक यू.